बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थानों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में नए साइबर क्राइम थानों का उद्घाटन किया और कहा कि साइबर सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर शासन प्रतिबद्ध है और हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया करने के लिए तैयार है। इससे पहले गृह विभाग के 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों की अधिसूचना जारी कर दी। इसी सिलसिले में झांसी में भी साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ किया गया, जहां कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां एडीजी ने नए साइबर क्राइम थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस के सामने इस समय बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जो साइबर अपराध पर अंकुश लगाने का काम करेगी। उस अवसर पर झांसी के डीआईजी कलानिधि नैतानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार तिवारी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल प्रसारण को टीवी पर दिखाया गया, जहां बबीना थाने के सभी उप निरीक्षक और दीवान मुंशी तथा पुरुष और महिला सिपाहियों समेत भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पलविंदर सिंह नंदा, जिला मंत्री हनी साहू, सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष जैन कल्लन, आबकारी ठेकेदार संजय राय पहलवान, संभ्रांत नागरिक हाजी सलीम राइन, सौकत अली पहलवान, गौरक्षा प्रमुख देवेंद्र तिवारी समेत पत्रकार प्रदीप यादव, मोहम्मद हनीफ, विजय वर्मा, राहुल अग्रवाल, मुकेश मोदी, विनोद पांडा, अंकित मिश्रा, प्रमोद सिंह, देवेंद्र तिवारी, ब्रजेश पाठक, सौकत अली पहलवान आदि मौजूद थे। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।